शहीद ने कबूली शहादत, राजनेता पहुंचे राजनीति करने। कांग्रेस ने मोदी पर साधा निशाना, जहां एक तरफ शहीद की चिता जल रही थी वहीं दूसरी ओर राजनेता पक्ष और विपक्ष राजनीति करने में जुटे हुए थे। जहां मंत्री सरवीण चौधरी ने शहीद के परिवार को मदद करने की बात कही, वहीं कांग्रेस नेता केवल पठानिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार आतंकवाद को रोकने में नाकाम रही है और जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई थी। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी कई तंज कस दिए। गौरतलब है कि केवल सिंह पठानिया शहीद जोरावर सिंह के सहपाठी रहे हैं और एक ही गांव से संबंध रखते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए रेत निवासी जोरावर सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जोरावर सिंह का पार्थिव शरीर देर शाम उनके पैतृक गांव पहुंचा था। इस दौरान भारी जनसैलाब शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा। हजारों की तादाद में लोग शहीद जोरावर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। उनके पैतृक गांव रेत सहित आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान सेना की एक टुकड़ी ने शहीद को सलामी दी। लोग लगातार जोरावर सिंह अमर रहे के नारे लगाते रहे। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारों से वातावरण गूंज उठा। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। मेरे ये स्थानीय गांव का रहने वाला और स्कूल से ही बड़ा कर्मठ और मेहनती, और ख़ासकर मैं देखा इसमें जब स्कूल में ही था तो इसमें देश भावना, देश के प्रति हमेशा जब भी कोई चाहे स्कूल में कार्यक्रम हो बढ़ चढ़कर भाग हवलदार जोरावर सिंह लेता था। आज हिमाचल प्रदेश का सेशन चल रहा है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है परिवार से किसी ने तुरंत, जिस तरीके से आपने देखा होगा पंजाब के अंदर अन्य प्रदेशों के अंदर तुरंत जो है उनके परिवारों को आश्वासन भी दी न दिए जा रहा है बल्कि नौकरी दी जा रही है। एक परिवार में से शहीद हुआ है हिंदुस्तान के लिए, एक परिवार में से जो है वो नौकरी दी जा रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आज ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो पटेड़ हो, आज लंच के अंदर हो, चाहे वो रैत के अंदर हो, अक्रॉस द बॉर्डर लाइन लगभग 20वीं 22वीं बॉडी है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है नाकाम रही है। आज 4 साल हो गए, बार बार जो पार्लियामेंट भी चली हुई है, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी बातचीत कर रहे हैं, वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बजाय बात करने के बजाय ये जो बातें वो वहाँ कहते हैं वास्तविक धरातल में उतरनी चाहिए। तो जो हमारी केंद्र की खासकर अक्रॉस द बॉर्डर जो नीति है लगातार हिमाचल प्रदेश में लगभग सैकड़ों इसमें चारों में हमारे साथ आए हैं, तो इस पर इनको जरा पठानी जी बड़ा सवाल ये है कि बताया की बात की थी, वन रैंक वन पेंशन की बात की थी, तो ये दायित्व बनता है। पॉपुलर गवर्नमेंट हिंदुस्तान की 225 करोड़ जनता ने उनको जन्म दिया। लाल किले से वो 4 बार वो बोल चुके हैं, जो लाल किले से वो बोले हैं क्या वो ग्राउंड में पहुंचा वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, वस्तु स्थिति आपने देखी है। आज भी मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को, इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे छोटे छोटे से गाँव में जो वो बातें करते हैं, मन की बात करते हैं। दूसरी बात, शहीद हुआ तब वो ट्वीट नहीं किए, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैच होगा या कोई इवेंट होगा, जिस इवेंट से उनको मार्केटिंग दिखेगी ना उस पर वो ट्वीट जरूर करते हैं। आज मैं कहता हूँ 72 घंटे हो गए, हमारा नौजवान लड़का यहाँ से चला गया, तो कोई ना कोई हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, हिंदुस्तान के प्रधान, छोटे छोटे इवेंट पे वो किसी के जन्मदिन पे वो ट्वीट, किसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जन्मदिन हो तो वो जरूर ट्वीट करते हैं। इतना बड़ा शहीद हवलदार जोरावर सिंह शहीद हुआ है, तो हम तो ये चाहते हैं क्रॉस द बॉर्डर लाइन टोटल वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो खेल हुआ, और ये देखना हिंदुस्तान की जनता ने ही जन्म दिया था। और ये जो खास करके था जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी और इनकी ही सरकार है, दिल्ली के अंदर भी इनकी सरकार, तो ये जिम्मेवारी बनती है। और हम तो ये चाहेंगे कि जो जोरावर सिंह का परिवार है, जो पीछे परिवार खासकर बच्चे और बूढ़े गए हैं, क्योंकि इनके परिवार में बड़ी दुख दी घटना है, एक भाई पहले ही एक्सीडेंट के कारण और एक भाई, तो इनके परिवार को जो है वो एक बच्चे को या क्योंकि बच्चा अभी माइनर है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के प्रति व शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनशील है, जो भी संभव होगा इस परिवार की मदद की जाएगी, एक अच्छी राशि शहीद के परिवार को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्द ही राशि की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद जोरावर सिंह को पूरा देश नमन कर रहा है, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सही नीति निर्धारित करने की जरूरत है, ताकि देश की रक्षा में तैनात सैनिकों की रक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके।
मैम, रात के इस जवान ने जो सरहदों पर आज शहादत दी है, उस शहादत पे आप क्या कहना चाहेंगे, और पाक की जो नापाक की हरकत हुई है उस पे आपका आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरा देश श्री रावत के चरणों में नमन करता है जिसने देश के लिए अपने अपने जान दी है, और सरहदों पर हर रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है भारतवासियों के लिए। इसके भारत के हर जगह को जहाँ श्रद्धांजलि देनी है वहाँ इस बात को भी समझना होगा कि हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। हम छोटी सी बात के लिए सेक्रीफाइस केवल करने को तैयार नहीं होते। केवल एम्प्लाइज का मुद्दा ले, एक किलोमीटर जाने को तैयार नहीं है। छोटी सी कहीं पे टैक्स की बात आ जाए तो हाहाकार मच जाती है। हम छोटी सी चीज़ के लिए, देश के लिए समर्पित होने के लिए कभी पीछे रह जाते, लेकिन जो सरहदों पे बैठे हैं वो अपने परिवार का और अपना सब कुछ ही निछावर कर देते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारे लिए, देश के लिए। इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अपने स्वार्थों को भी छोड़ते हुए देश हित में जो भी अच्छा रहे। जैसे शहीद जोरावर ने अपना बलिदान दिया, इसके परिवार ने जो सेक्रीफाइस दिया है और उनको पूरा जीवन इस दुख में उनके साथ देश के लिए काटना होगा, तो इसे बहुत सारी सीख लेने की आवश्यकता है हम लोगों को। और पहले एक नारा लगता था, जय जवान जय किसान, अब हम रोज़ देखते हैं कि घोषित युद्ध नहीं, कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं, अघोषित युद्ध कह लें, इसमें अनेकों हमारे जो शहीद होते हैं हमारे नौजवान सैनिक, तो उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि भी है, उनके परिवार के प्रति सबकी संवेदना भी है, और हमें सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। आज के इन चीज़ों से सबक लेके देश के लिए हमारी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी पॉजिटिव वे में, उसकी ओर हमें अग्रसित होना चाहिए। और एक बार फिर से शाहपुर निवासियों की ओर से, प्रदेश के सभी निवासियों की ओर से, सरकार की ओर से, आमजन की ओर से, सभी समाज सेवकों की ओर से इस शहीद को शत शत नमन प्रणाम, और इससे हमें बहुत सारी सीख लेनी होगी। एक बार फिर से इस कुर्बानी के लिए परिवार को बधाई भी है कि जो इतना बड़ा कुर्बानी का मौका सबको नहीं मिलता, और वही दुख की घड़ी है उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे लिए, तो सबका गला रोंदा है इस मामले में। नाम और रैंक और कौन सी? सर, जो शहादत दिन प्रतिदिन हो रही है उस पर आप किस तरह से निपट रहे हैं उन आतंकियों से, और होता क्या बेसिकली, और किस तरह से ये घटनाएं जो वो रोज़ सामने आ रही हैं? बेसिकली जो है ये घटनाएं जो है जो क्रॉसिंग हो रही है, ये तभी जैसे अभी गर्मी शुरू होगी तो ये क्रॉसिंग ज़्यादा शुरू होता है, वहाँ पर हमारे सैनिक जो तनाव का जिला प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, जल्द निकल जाएगा। ये सब बाहर से जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं या किस तरह से ये होती है, या फिर लोकलिटी वहाँ पे जो है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है? पाकिस्तान से भी आती है। इन स्थितियों में आप कैसे जूझते हैं? शहीद जोरावर सिंह उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना हुई थी, क्या कर रहे थे? अंतिम क्षणों में तो अचानक पीछे से बात करके उनको पीछे से बात किया। आप उनके